किया था हमने सबसे पहले। 80,000 का कवर है, तेरा घर चला जाएगा। हमारा घर काहे जाएगा ये कवर में? नहीं यार, ये चीज भी नहीं है, पहले बोलना चाहिए था। नहीं है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गाइस मैं मतलब लोगों को दिखा सकूं कि हमारे यहाँ भी इस टाइप का पूजा इस तरीके से बनाया जाता है। ये होगा कि नहीं? चिकन पकौड़ा प्लस चिली प्लस लॉलीपॉप स्पेशल होगा कि नहीं? Okay, so hey guys, it's me Hari Surya and welcome back to another vlog. Okay, so guys, आज का ये वाला vlog शुरू हो रहा है straight from घर से and guys time हो रहा है अभी कुछ रात के 9 and guys आज का vlog थोड़ा सा रस में भी शुरू हो रहा है क्योंकि guys मैं अब भी बस दुकान से आया and ready होके vlog shoot कर रहा हूँ and guys आज के इस वाले vlog में हम जाने वाले हैं guys काली पूजा explore करने जो कि उमरकोट 52 नंबर में होता है। कोई normal सा काली पूजा नहीं है ये, मतलब बहुत ही बड़ा वो जो क्या बोलते हैं काली माँ का मूर्ति होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। उमरकोट वाले तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि किस टाइप का काली पूजा होता है, आपने तो ऑलमोस्ट थंबनेल में देख ही चुका होगा, सो आप थोड़ा सा आइडिया लगाना और बाकी तो मैं व्लॉग में दिखाऊंगा ही, सो आप बस थोड़ा सा वेट करो। गाइस कितना किलोमीटर है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, यहाँ से कुछ 5-6 या 7 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से उमरकोट से 52 नंबर। गाइस हम जहाँ जाने वाले हैं काली पूजा देखने वहाँ तो मतलब काली पूजा तो हो रहा ही है, प्लस वहाँ पे मतलब बहुत सारे राइड्स भी आए हैं उसके साथ होटल्स रेस्टोरेंट्स पे है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस आप वीडियो को गाइस एंड तक देखते रहना। मेरे साथ आने वाले हैं गाइस ललित, गौतम, संतोष और मैं, हम चारों जाने वाले हैं। प्रवीण तो नहीं आ रहा, प्रवीण को बुलाया पर उसका कुछ काम था वो तो नहीं आएगा, सो हम चार जन जाने वाले हैं आज काली पूजा एक्सप्लोर करने। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी तो अक्टूबर मंथ एंड भी नहीं हुआ है और ठंडी गाइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो उस कारण से मैं फुल पावर रेडी हो चुका हूँ अपना हुडीज एंड जैकेट डाल के, ताकि मुझे मतलब ठंडी का मतलब महसूस ही ना हो ठंडी। एंड आई थिंक गाइज आपके वहां भी स्टार्ट हो चुका होगा, अगर स्टार्ट हो चुका है तो गाइज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइज बातें बहुत ज्यादा हो गया, अभी सबसे पहले संतोष को कॉल करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि उसके गाड़ी में मैं बैठने वाला हूँ, सो कॉल तो करना बनता है। संतोष को नहीं हुआ तो हमको कॉल करते हैं। यस मैन। कहाँ पर भाई? भाई मैं तो बस स्टैंड में हूँ, आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट वेट कर। हाँ जल्दी आ। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी। ओके सो गाइस अभी मैं गौतम से बात कर चुका हूँ, सो अभी वो आ रहा है कुछ देर में, सो जैसे ही आता है हम निकलते हैं एंड बस ब्लॉक पॉइंट तक देखना गाइस बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो जैसे ही आता है हम निकलते हैं, सो एंड आगे का ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। व्हाट्स अप ब्रदर, क्या हाल? बढ़िया, अच्छा है भाई। हमें कौन पहचानेगा? इतना लेट कोई करता है क्या भाई? हाँ गौतम थोड़ा काम कर रहे थे भाई, एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर। तू तो मजाक मत क्या करो, डोले भाव भाव। ओके सो गाइस अभी हम निकलते हैं, इन लोग आ चुके हैं, बहुत थोड़ा सा लेट कर दिया है पर कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करना तो बनता है। रेडी तो? चलो भाई चलो, सो लेट्स गो गाइस। ओके सो गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं, ठंडी तो गाइस बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे फेस पे फील हो रहा है पर बॉडी पे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी में मैंने थोड़ा स्वेटर वेटर डाला है, तो इस कारण से थोड़ा फील उतना नहीं हो रहा है। एंड भाई तो स्वेटर भी नहीं डाला है, बस एक पतला सा शर्ट पहना है, इसको पता नहीं भाई तो आयरन मैन है गाइस, ठंडा नहीं ठंडी नहीं लगता इसको, पर मैं तो अभी बिना स्वेटर के रह नहीं सकता। सो अभी हम निकल चुके हैं, अभी फ्यूलअप करेंगे, फ्यूलअप करा के डायरेक्ट निकलेंगे गाइस 52 नंबर। सो या सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं एंड आप भीड़ देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा भीड़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। अभी तो हम अंदर नहीं गए हैं, सो फटाफट अंदर जाते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं गाइस एंड दर्शन कराते हैं, प्लस घूमते भी है फिरते भी है, सो लेट्स गो गाइस। We'll be right back.
रियलमी का कवर है क्या? रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन, रेडमी 11 प्रो प्लस, नहीं 11 प्रो प्लस का कवर दिखाओ भाई। हमारा फोन का तो नहीं मिला, तुम्हारा फोन का कुछ मिलेगा भी? अरे कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ तुम्हारा घर चला जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा। हेड रही ये कलर ले, ब्लैक टनर ले। पैसा नहीं है तू देगा ना भाई? ये शुरुआत से कहा गया था हमें, यही सुनाई दिया था हमें सबसे पहले। 80,000 का कवर है, तेरा घर चला जाएगा। हमारा घर कहा जाएगा ये कवर में? नहीं यार, गाइस अभी हम आए स्मोक बिस्कुट ट्राई करने, जो कि ऐसे हम स्मोक निकाल के खाएंगे। अभी हम करते हैं एंड आपको बताते हैं गाइस कि एक्सपीरियंस कैसा है, स्मोक ट्राई करते हैं। और यहाँ पर कुछ भैया पानी वानी का टाइप का डाल रहे हैं, एंड ट्राई करते हैं एंड बताते हैं भाई कैसा लग रहा है। फुल पावर कसम से भाई, घर में भी मम्मी भी ऐसे डाल के नहीं देती, हमें खुद डालना पड़ता है। भाई नहीं चलेगा तो इसे खा दे नहीं। अबे कैसे खाना? छोटा बच्चों का भाई चक कर रहा है। कैसे खाना है? कैसे खाना कैसे भाई? हाँ तो पूरा स्मोक कर रहे भाई। रा रा रा। तो गुड गुड नहीं जो रहे, गुड गुड पीस नहीं जो सुन। हो जाएगा भैया। ओ नाकरे डाल ना रे। 50 का लॉस हो जाएगा।100 रुपया अभी हम चढ़ रहे हैं इसमें, एंड बहुत दिनों के बाद चढ़ रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। गौतम चढ़ रहा है, यहाँ पे संतोष है, यहाँ पे मैं हूँ, फिर आगे जो है ललित है। सो अभी थोड़ा सा वेट है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सो जैसे ही भीड़ कमता है हम चढ़ते हैं। इसमें तो चढ़ने का भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है। उधर नहीं मरने से खत्म, सब खत्म, सब खत्म खत्म खत्म। तो रो 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 संतोष की शर्ट जा किधर को जाता जी? अरे फाइनली चढ़ चुके हैं एंड मेरा घर चला जाएगा इसमें। हमारा राइड फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हमको एक राउंड पहले घुमाएगा फिर जाके उतारेगा। सो अभी हम और किसी में तो बैठने का प्लान नहीं है, अभी हम जाएंगे गाइस खाना खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। हम लोगों ने डिनर तो करके आया था घर से, पर थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि बाहर आए तो बाहर से थोड़ा खाने से ही अच्छा लगेगा। और भाई कैसा लगा बता? बहुत मज़ा भाई, देखो हम अब सबसे ऊपर में जाके खड़ा रहने वाले हैं। हाँ लाली को उठाएंगे, ये देखेगा पूरा मेला और ये भी मजा लेगा और सबको दिखाएगा, सब लोग देख के मजा करना, समझ रहे हो? और तेरे को कैसा लगा भाई? अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और किसी राइड में तो हम बैठेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा में तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड ट्रेन तो बच्चे लोग बैठते हैं, हमको बैठ के कोई मतलब नहीं है उसमें। सो अभी हम उतर के फिर जाएंगे गाइस कुछ खाना खाने। क्राउड देखो गाइस कितना ज़्यादा हो रखा है, नीचे देखो
बहुत भीड़ है। एंड वो है गाइस मूर्ति, यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि कितना बड़ा मूर्ति है। और तो क्या है इसमें, ये होगा कि नहीं, चिकन पकौड़ा प्लस चिली प्लस लॉलीपॉप स्पेशल होगा कि नहीं, चिकन पकौड़ा प्लस चिली प्लस लॉलीपॉप स्पेशल हो जाएगा। और का से बाहर से तू क्या लेगा भाई बता, हमें दे दो पनीर चिली दे दो। पनीर चिली किसके साथ खाएगा, नहीं होए बोल से पुराने। सैंडविच सैंडविच ही दे दो भाई, चलो चलो सैंडविच दे दो, चार सैंडविच दे देना ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 15 मिनट ज्यादा हो जाएगा। हम सैंडविच कितना टोकन लगा, 400 ले रहा हूँ वेज वाला। हाँ भैया वेज ठीक है, वेज चलो बैठने का इंतजाम। सो गाइस अभी हम आए हैं अपना थोड़ा सा खाने, एंड हमने ऑर्डर किया है सैंडविच, अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि गाइस भूख बहुत ज्यादा लग रहा है घूम घूम के। हम लोग का प्लान तो नॉनवेज खाने का था, पर आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज नहीं खाना, आज है सैटरडे, सो घर में ऐसे नहीं खाते हैं, इसीलिए हम आज वेज ऑर्डर कर दिए। कोई तो कॉल कर दिया गाइस, गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी जैसे ही सैंडविच आता है हम खाते हैं एंड आपको मिलते हैं। So guys, finally आ गया आ गया आ गया सैंडविच, भेजे तो भेजे तो भैया भेजे वेज। तो सुबह से हमारा सैंडविच आ चुका है, तो अभी हम खाते हैं एंड आपको बताते हैं गाइस टेस्ट कैसा है। तो खाते हैं गाइस, बहुत ज्यादा पानी बोतल मिल गया वहां पे, सैंडविच ये चीज भी नहीं है इसमें, पहले बोलना चाहिए ना भाई, नहीं है वो। ओके सो गाइस हम फाइनली निकल रहे हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारा कुछ खत्म हो चुका है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सब बंद हो चुका है, यहाँ पे भी लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सो अभी निकल रहे हैं गाइस, और नींद भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और भाई कैसा लगा बता, बहुत अच्छा लगा भाई, फाइनली हम अभी कंप्लीट हो गया मेला हमारा घूमने का, और अभी जाएंगे घर, तो अभी टायर्ड भी बहुत हो चुके हैं, अभी चलते हैं फिर घर में रिलैक्स करते हैं। चलो और भाई कैसा लगा बता, अच्छा लगा क्या करे, हाथ तो मिला ले भाई, अच्छा लगा तेरे को भाई, एकदम मस्त लगा भाई सही में। और कब आएंगे बता, आएंगे ना कल आएंगे, चलो। और तो अभी मेला वेला कुछ नहीं है, यही लास्ट है, कल आएगा तू, कल आएंगे भाई है? अरे होना आप भी कल मैं नहीं आऊंगा भाई, कल व्लॉग को एडिट करना है, आज रात तो करूंगा सोच रहा था, पर आज रात होगा ठंड की वजह से, मुंह से धुआं निकल रहा है, ठंड तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी निकलते हैं गाइस क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट टाइम अभी गाड़ी चलो 12 बजे टाइम हो रहा है गाइस, ऑलमोस्ट 12 बजे, एक मिनट और बचा है 12 बजे निकले, सो निकलते हैं गाइस, मम्मी का भी फोन आ चुका है, सो लेट्स गो गाइस। ओके सो गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं, ठंड बहुत ज्यादा आ रहा है इसीलिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि संतोष अभी मतलब स्वेटर वेटर कुछ डाला नहीं है, गाइस ठंड तो मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, ये गाड़ी में तो दिखाता नहीं है कि कितना ठंड है, वरना मैं आपको दिखाता। और अभी हम एक सुनसान से रोड में जा रहे हैं, डर लग रहा है क्या भाई, तो नहीं लग रहा भाई, ठंड बहुत लग रहा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है गाइस, तो कांप रहा था, सो मैंने बोला कि भाई तू गाड़ी मेरे को दे दे, मैं चलाता हूँ, तू बस पीछे बैठ के बस चुपचाप बैठ के रोड देखते रहे। एंड गाइस बहुत ज्यादा मजा आया, बट हमको बस दो चीज का ज्यादा नुकसान हो गया, एक तो हम जो बिस्किट खाए स्मोक बिस्किट, उसका दो बिस्किट का 50 रुपया गाइस, वो बहुत ज्यादा मतलब वर्थ इट नहीं लगा, पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया क्योंकि गाइस कभी खाया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो पैसा जाता है तो जाने दो कोई नहीं। एंड हमने सैंडविच खाया, सैंडविच के अंदर वो क्या मेयोनीज सॉस प्लस उसके अंदर क्या कैरेट वैरेट क्या क्या डाल दिया था, उसमें चीज ही नहीं था, वो एक सैंडविच का 50 रुपया ले गया, वो एक बहुत ज्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग था। और हमने उसको भी बोला कि भाई चीज नहीं डाला कुछ नहीं, वो तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा, मैं तो शूट किया था। गाइस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 12:15 हो चुका है, प्लस घर से भी कॉल आ गया था मम्मी का, अभी मैं मम्मी को बोला कि मैं 15 मिनट्स में घर पहुंच रहा हूं। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइस, अगर आपको ये वाला व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस।
व्लॉग में। सो टिल देन कीप लविंग एंड सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।